fast, baby. Mission start. बैक करेंगे रिपोर्ट में तारीख था और नहीं जाएंगे आज जाना था ठीक है पर अभी किसी को बताइएगा नहीं तारीख था भैया अरे पर लेकिन अब नहीं जाने बनाया तने रथ पहले वोट का सेटिंग करो यार कहां जा रहा है इसने जानता है कहां अंदर है दे रहा है किसने कहां से दिखेगा बच्चा रुक जा बात से डर गया और दिखेगा फिर क्या अरे शांत हो जाओ बात करते हैं अभी किशन देव जी कहाँ हैं बुलाइए उनको हाँ बुलाइए बुलाइए ए जी जरा देखिए जी बाहर बहुत लोग आया है अरे बुलाइए ना जी अरे भाई शांति रख आ जाएगा कैलाश के पर रहने वाले तीन दिक्कतों की सेवा करने वाले बाम शंकर आइए ना जी अरे वाह क्या बात है भाई सब मित्र बंधु लोग एक साथ सुबह सुबह सब शुभ शुभ है ना भाई अरे आपका बेटा गोरखपुर यूपी का गन्ना विकास पदाधिकारी हो गया है ये देखिए फोटो छपा है पूरे गांव को भोज कराना होगा हाँ मेरी गांव का पहला अवसर वाह जी वाह क्या बात है किशनदेव भाई इतना बड़ा खबर आप खुश नहीं हुए नहीं डॉक्टर बनाना चाहते थे अरे भाई हम लोगों का गांव में ढंग का एगो अस्पताल भी नहीं है सरकारी डॉक्टर लोग भी ड्यूटी पे होते हुए भी नहीं आता है ज्यादा कमाने के चक्कर में छपरा में प्राइवेट प्रैक्टिस करता है सब सपना देखे थे अच्छा डॉक्टर बनेगा गांव का सेवा करेगा अरे छोड़िए किशन देव भाई डॉक्टर नहीं बना तो क्या हुआ गन्ना विकास पदाधिकारी भी कोई छोटा अफसर नहीं होता भोज का इंतजाम कीजिए चलते हैं नमस्ते भोज तो बनता ही है तो गजब हो गया भैया यहाँ हाथ पांव नाक कान वाला पहलवान छोड़ा सब दिन भर ताश खेलता है विकलांग ना आँख से दिखाई देता है ना कान से सुनाई देता है इतना बड़ा अफसर बन गया सही कह रहा है भैया A for army, B for better, G for God बाबूजी ये भगवान जी कहाँ रहते हैं हर जगह भगवान जी हर जगह विद्यमान रहते हैं बेटा पर दिखाई तो देते नहीं है जो लोग सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं ना भगवान जी उनको जरूर दर्शन देते हैं आप तो रोज ही खूब सारी प्रार्थना करते हो आपको दिखे क्या भगवान जी ए जी हमारा कान का झुमका नहीं ना मिल रहा पता नहीं कहाँ रख दिया थक गए हम खोजते खोजते देख रहे हो बेटा
तुम्हारा माई को कई साल बाद याद आता है कुछ चीज। अरे इतना पुराना बात है, हम भी भुतला गए। अब होगा तो घर में ना कहीं, खोजेंगे हम सफर के। माँ वो कान का झुमका, वो का छज्जा पे जो हरा वाला वीआईपी बक्सा है उसमें तो है। तुझे कैसे पता रे? हाँ तुझे कैसे पता? हमारे सामने ही तो कुर्सी पर कुर्सी लगा के चढ़े थे बाबूजी उस छज्जे पर। अच्छा मिला। ये तो एक साल का था मेरी गोद में तब। सब याद है हमको बाबूजी। माई का झुमका मिल गया ना, अब हमको एक साइकिल दिलवाइए, पूरे गांव में घूमेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे घूम घूम कर। सब खेलता रहता है, कोई नहीं पढ़ता है। अरे बुआ दो तीन साल रुक जाओ बेटा, थोड़ा तंगी चल रहा है। ठीक है, इतनी पूजा करते शंकर भगवान की फिर भी तंगी? क्या बोले अब सब ठीक हो जाएगा बेटा, ले देंगे। ठीक है। दो 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 तीन 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 थोड़ी कृपा यहाँ भी। जी नमस्कार। देखो सारा खजाना हमारे पास आने वाला है। हाँ लक्ष्मी जी की मेहरबानी है अब। हाँ भाई हाँ। अरे मेरे बच्चे जा खेलो बच्चों के साथ। अरे पटाखा नहीं दिया तेरे बाप ने तुझको? अरे गुलाब कली बेटा एक दे दो, गरीब का बच्चा है, अपने किसनवा का बच्चा। कौन किसनवा? बेचारा किसनवा हमने जमीन जोतता है, भूमिहीन है बेचारा किसनवा, तो हमने अपनी 20 बीघा जमीन दे दिए है जोतने। क्या बात। अरे ले लेगा? हम पटाखे नहीं छोड़ते, हमारे बाबूजी कहते हैं कि पटाखे छोड़ने का मतलब रुपये जलाना होता है। देखो एक कान तो खत्म हो चुका है, दूसरे में मशीन लगा के 50% सुनाई देगा। क्या? और आँख की रोशनी भी 54% बचेगी। अगर तुम किसी बड़े अस्पताल में दिल्ली बम्बई मद्रास में ले जाके दिखाओगे तब, नहीं तो कहानी खत्म। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है। अरे बड़का अस्पताल में इमारत बड़ा होता है, हुआ भी डॉक्टर तो आप ही लोग ना होते हैं। कुछ करके बचा लीजिए हमारा बाबा को, हाथ जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब कुछ भी करिए, हम किसान बंधुआ मजदूर हैं, कहाँ से जाएंगे दिल्ली मुंबई और मद्रास। देखो बीमारी और दुर्घटना गरीबों के लिए कयामत होती है, कयामत। इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर बाबू हम विनती करते हैं आपसे। बबुआ माँ मेरा लाल प्रणाम, मिल गई नौकरी, कल मैं ज्वाइन करूँगा माँ, अब मुझे कोई अपाहिज नहीं बोलेगा और ना ही बहरा। खुश रहो बबुआ। और बाबूजी लाओ इधर दो। जय साई राम बेटा। बाबूजी प्रणाम। चलो ठीक है नौकरिया अब ज्वाइन कर लो, पर जरा संभल के काम करना बबुआ। बाबूजी आप बिल्कुल चिंता न करिए, मैं पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। यही तो मुसीबत है तुम्हारा, कौन देगा तुमको ईमानदारी से काम करने? मत करना ये सब, और गन्ना माफिया के साथ मिलजुल के रहना, लड़ना मत भ्रष्टाचार से, समझे कि नहीं? गजब कर रहे हैं आप,
बबुआ को ईमानदारी ना करने की सलाह दे रहे हैं। बाबूजी क्या कह रहे हैं आप? देखो बेटा, पूरा देश भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबा हुआ है। तुम ईमानदारी का बात करोगे तो कोई चैन से जीने देगा तुमको? अरे छोड़िए बाबूजी, एक बात तो बताना भूल ही गए हैं बाबूजी। आंखों में नया चश्मा लगा लिया हूँ और कानों में नई मशीन। ये बहुत अच्छा काम किए बेटा, अच्छा है। ध्यान रखना अपना, ठीक है? सुबह आशीर्वाद। जी हाँ सर। और सर ये राम आश्रय का है। कौन आ गया भाई? भेजो भेजो। जी राम आश्रय का 221 के आसपास है। ठीक है और... रखो ऐसे ही। जी वही रखो, वही रखो। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए जी। जय हिंद सर। जय 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 जय। ए मेरा पद ग्रहण पत्र। क्या है ये? ज्वाइनिंग लेटर सर। ज्वाइनिंग लेटर। बैठिए ना प्लीज, बैठिए। धन्यवाद। हमारे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में 6 चीनी की मिलें। क्षमा चाहूंगा महोदय, थोड़ा जोर से बोलिए। बेरे हो क्या? जी हाँ सर, थोड़ा श्रवण दोष है, थोड़ा दृष्टि दोष। ओके ओके, आई अप्रिशिएट। देयर आर 6 शुगर मिल्स इन आवर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। महोदय यही बात हिंदी में बोल दीजिए। अंग्रेजी नहीं आती आपको तो क्या खाक अफसरी करोगे? हैं? सर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। आई थिंक ही इज अ मैड फेलो। यू टेक हिम टू योर कैबिन, गिव हिम सम लेसंस, गिव हिम सम टास्क, गेट गोइंग, गो। जी आप जाइए इनके साथ, जाइए। जी सर। जाइए जाइए। दृष्टि दोष है, श्रवण दोष है, स्वप्न दोष भी होता है क्या? ये जरा कलेक्टर साहब के ऑफिस में मनरेगा वाली फाइल भिजवा दीजिएगा। सर आपके जिले में कुल 6 शुगर मिले हैं। ठीक है। और हर शुगर मिल से हर महीने 10 लाख रुपए कलेक्ट करना है, यानी कुल 60 लाख रुपए कलेक्ट करके कलेक्टर साहब के आवास में पहुंचाना आपका प्रथम कर्तव्य है, यानी ड्यूटी नंबर 1। 240 गन्ना उत्पादन समितियों के सचिव आपको 10,000 की दर से भुगतान करेंगे एवरी मंथ, यानी कुल 24 लाख रुपए का कलेक्शन करके कलेक्टर साहब के आवास पर इस तरीके से पहुंचाना आपका दूसरा कर्तव्य होगा, यानी ड्यूटी नंबर 2। कह देना साहब से मैं कोई घुसखोरी नहीं करने वाला हूं। क्या बात, बेटा होश ठिकाने आ जाएगा धीरे धीरे। सबसे बड़ी समस्या है साहब कि हमारा माल चीनी मिल के बाहर हफ्तन टोकिया महीनन रखा रहता है, इस इंतजार में कि कब हमारे माल का टोल होगा। घूस मांगते हैं साहब, बोले तो उनके गुंडे फंसाते हैं साहब। कोई शिकायत करे तो आपका गन्ना रिजेक्ट। सरकारी खाद में मिलावट होती है सरकार। सही खाद नहीं है साहब तो क्या खाक पैदावार होगी? और भुगतान पाने में बड़ी परेशानी आती है साहब, दौड़ा दौड़ा के पगला देते हैं। हमारे चपलवा का हाल तो देख रहे हैं साहब। बैठ जाए, आपका दर्द समझता हूँ क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। आज से आपको कोई चिंता नहीं करनी, आज से आपकी सारी समस्या मेरी समस्या, आज से आपको किसी को घूस नहीं देना है, किसी को भी नहीं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देखिए क्या करता है, करेगा बोलता है मदद। तो पगले टप्पर लगता है नागोरी डैम पे, स्कूल के टाइम पे अनागोरी डैम पे तोरे ले आ बे, ठीक है बे, तोरे लिए दिल है दीवाना, आहा गोरिया तू चली आना, ठीक है बे, डंड पे लो अच्छे से बे, कभी ना इनकार करना, प्यार भरा दिल ना तोड़ना। जीजा बैठे हैं, अच्छा चाय ना बैठ रहे हैं? जीजा ही देखी कहा है? अरे देखी इब्बा। ए किशन देव,
हुजूर ने बुलाया आपको अपनी जनाना के साथ, अभी इसी वक्त। क्या हो गया हुजूर का तबीयत तो ठीक है ना? का तबीयत 24 आवर टेंस रहता है, लेकिन मेहरारू का साथ का है बुलाए? इतना कहानी आप लोग नहीं जानते, बस चलना है तुरंत चलिए, चल रहे। चलिए, बड़े घर से बुलावा आया है, शुभ शुभ ही होगा। पता नहीं क्या काम पड़ गया हजूर को, देवता समान है बच्चा बाबू। आ जाओ यहाँ, चप्पल निकाल दो। प्रणाम हजूर। प्रणाम। आओ आओ आओ, इनको पहचानते हो? कैसे नहीं पहचानेंगे मालिक, कितना खिलाए हैं गोदी में, नहर नहर घुमाए हैं, गंगा स्नान भी कराए हैं बउआ को। हम तो सुने कि बउआ में जनता शुगर मिल का पार्टनर है। आने के मालिक, हमरा बउआ भी तो वहाँ गोरखपुरे में ना है, वो गन्ना जिला पदाधिकारी के पद पे तैनात हुए हैं अभी हाल में। इन्हीं के बदौलत नौकरी कर पाएगा तुम्हारा पिटुआ। राज चलता है राज, भाव काली है भाव काली। इज आई फीलिंग गुड? अरे बैठिए, आज कुर्सी पर ही बैठ लीजिए। आज कुछ खास बात है का हम कुर्सी पे बैठे? जिंदगी भर खड़ा ही ना रहे हैं आपका सामने, कभी हम जमीनों पे ना बैठे हैं। अरे खुशी का बात है, तुम्हारा बेटवा बड़का अफसर बन गवा है, और दूसरा पहली बार मैम साहब को हमारी कोठी पर लाए हो। बैठो बैठो बैठो, घबराओ नहीं, बैठो। हेलो। हाँ, बढ़िया बढ़िया पंडाल, समियाना, 500 कुर्सी टेबल, नाटा जमाल का बैंड बाजा, भूख भूख या लाइटें आतिशबाजी, और सोनागाछी का नचनिया का नाच भी जबरदस्त होना चाहिए। छांट के लाना एकदम गोरा चिट्टा, और दारू का इंतजाम हम कैंटीन से कर लेंगे, उसका चिंता ना करना। तारीख, हाँ, तारीख भी अभी बता देते हैं, फोन नहीं काटना। बेटुआ कब आ रहा है? परसों शनिवार को। परसों शनिवार का डेट तय कर दिए हैं, इंतजाम कर लो। शनिवार को हमने अपनी गुलाबो बिटिया का शादी तय कर दिया है। उसी का तैयारी चल रहा है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, हमारा बबुआ भी आ रहा है, शादी में रहेगा। हाँ, वो भी काम में हाथ बटाएगा शादी में। उसी का तो काम है। अरे हम अपने बहना गुलाबों की शादी गोरखपुर जिला गन्ना विकास पदाधिकारी से कर रहे हैं, समझे? हम समझे नहीं सरकार। हमने अपनी बिटिया गुलाबों का शादी तुम्हारे बेटवा अजब सिंह से तय कर दिया है। पर हजूर, हमरा अजबवा 27 साल का है, और अपनी गुलाबो बिटिया उससे 10-12 साल बड़ी है। बुड़बक होगा है? पता है कितने बड़े आदमी का दामाद बनेगा वो? अरे आंख से अंधा है, कान से बहरा है, अपाहिज है तुम्हारा बेटा। बात करता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने बबुआ को बेच दे, बर्बाद कर दे उसकी जिंदगी। नहायत ही बेवकूफ और देहाती किस्म के जाहिल हो तुम दोनों। एहसान फरामोश, टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज थे तुम लोग, हमने तुम्हें जमीन दी जोतने के लिए, तुम्हारा जीवन चलाया। आपका बात सही है हजूर, पर हम भी इंसान हैं, हमरा अंदर भी जमीर है। आपका खेत जोते जरूर है, लेकिन ईमानदारी से आधा अनाज हमेशा आपका कोठी पे पहुंचाए। ये बेमेल शादी हम नहीं कर सकते हुजूर।
मेल ना उम्र का ना औकात का। ये का कर रहे हैं पप्पा जी, पगला गए का? हमारे होने वाले ससुर जी हैं ये। वैसे भी शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है ससुर जी, सुना है ना, बड़ी बहू बड़ा बड़ा भाग, आपका तो भाग्य पलटनिया खा जाएगा ससुर जी। जाओ किशन देवा, जाकर बारात की तैयारी करो, हाथी घोड़े बैंड बाजा नचनिया नाच सब कुछ तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएगा, सारा खर्च हमारा है, जाओ। हाँ बेटा, बेटा तुमको डुमरी आने का कोई जरूरत नहीं है। तो बाबूजी, आप लोगों का आशीर्वाद लेने का मेरा कोई धर्म नहीं है क्या? अजब सिंह जिद्दी है, बाप के मना करने के बावजूद वो गांव आएगा जरूर। बेटा यह मत आना, यह तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा? और आपकी जान का क्या? प्लानिंग समझ लिया ना तुम लोग? बाबूजी मैं आ रहा हूँ। संभालो। शनिचर को खिचड़ी खाने से शनि भगवान खुश हो जाते हैं। अरे लेकिन बतकवा अभी तक आया क्यों नहीं है? अरे वो गवा कहाँ रे बतकवा? चल 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 जल्दी चल, उतर रे, उतरना रे, अरे चलो ना, अरे रुक जा, खत्म तो करना था दारू यार। भैया जी फोन आया है, है? फोन आया है। चल बेटा। हाँ बोल। आ गया भैया, बतकवा आ गया। ध्यान रख बत्तक का, हम आ रहे हैं। देखो बैर आ गया। आओ आओ मेरे प्यारे बच्चों। अरे अरे ये लो ये लो। अरे बाबू, अरे वाह वाह, क्या बात क्या बात। जीते रहो। बहुरा, हमें खबर लगी है कि तुम बहुत बड़े अफसर हो गए हो। डुमरी गांव में इतना बड़ा अफसर आज तक नहीं हुआ। अब हम लोग का गांव भी खूब तरक्की करेगा। जरूर जरूर हमारा गांव तरक्की करेगा, जरा हम माँ बाबू से मिलकर। जरूर जरूर, जरूर। बारा ऊपी में अफसर है और हम बिहार में रहते हैं, काका तरक्की कराएगा। बाबूजी, बाबूजी प्रणाम। खुश रहो बबुआ। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। बाबूजी आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आप मुझे गांव आने से क्यों रोक रहे थे? अब तो उत्तर प्रदेश का गन्ना अधिकारी हो गया हूँ, अब तो खुश हो जाइए बाबूजी। हम खुश हैं बेटा, हम बहुत खुश हैं। तुम जाओ यहाँ से जल्दी। आखिर बाबूजी क्यों? पहले कुछ खा लो, थके हुए आए हो, चलो फिर हम बताते हैं। चलो चलो। अजब बाबू, चलो 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 चलो, आज तुम्हारी शादी है। बताया नहीं? अरे बताया नहीं माता जी आपने? बताया नहीं? अरे पिताजी आपने बताया नहीं? अरे आपको बता देना चाहिए था ना कि बबुआ आज तुम्हारी शादी है बच्चा बाबू की बेटी के साथ। हा? क्या बकते हैं आप, पागल हो गए क्या थे बाबू? हम कहे पागल हो गए, हम तो तुम्हारी किस्मत चमकाने आए हैं। चलो 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 चलो, हम नहीं जाएंगे। चलो, अरे चलो कह रहा है ना, चलो चलो चलो। क्या कर रहे हो बाबू? देखिए आपके यहाँ बहुत इज्जत है। हम नहीं जाएंगे।
जी के पास चलते हैं। आजा। बनवारी सेठ के यहाँ 10 लाख का डकैती हुआ और डकैतवा सब हमारा कमीशन नहीं पहुँचाया रे। अरे क्राइम मीटिंग में एसबीआर को कहा जवाब देंगे रे? लीजिए सर। हजूर हजूर, हमारा बेटवा का अपहरण हो गया है। हम कौन है रे तू? ठेकेदार है, चौधरी अफसर है, है? कौन है तू? किसान है हजूर, मेहनत मजूरी करते हैं बच्चा जी का खेत में, और वही देखिए ना, हमारा बेटवा को ले गए उठा के, अपना बेटी से जबरन ब्याह करा रहे। बड़ा तकदीर वाला है रे तू, है? इलाका का इतना बड़ा आदमी बच्चा सिंह, है? तेरा बेटा से अपना बेटी का ब्याह करा रहा है तो तू यहाँ का कर रहा है, है? जा बारात निकाल, लौंडा नचा, दारू पी और नाच अपना बेटवा का ब्याह में। आज हमरे बेटवा का बीहा है, आज हमरे बेटवा का बीहा है। एफआईआर। ए, दो इसको एक ठो गांधी का पत्ता और तुम लेकर आओ एक ठो अद्धा। जरा हम भी तो चले, बच्चा सिंह का बेटी का बीहा में इलाके का ना शादी है जी, अपना तो हक बनता है। और अजूर, हमरा एफआईआर वा नहीं लिखे आप। रे ससुरा, अब तू हमरा बताएगा कि केकर एफआईआर दर्ज करना है और केकर नहीं। बच्चा सिंह इलाके का सबसे बड़ा आदमी है और किसका हिमाकत है रे जो बच्चा सिंह के खिलाफ थाना में एफआईआर दर्ज करवा दे, है? ए भकुआ, सुने ने, चुपचाप जाओ बच्चा सिंह का बेटी का ब्याह में और जा करके समधियाना का भोज खाओ, समझा? हजूर, हमरे साथ अन्याय हो रहा है। रे चितकबरा, अन्याय हो रहा है? भक्चंद्रा, हाजत में बंद करके बेल्टे बिल्ट उस सटियाएंगे ना कि औरतिया भी पहचान नहीं पाएगी कि कहां पीठ और कहां पिछवाड़ा, समझा? ए बंद करो सबको हाजत में, बंद करो। इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। अरे लेडीज, तुमको बोला ना, जाओ सीधा घर, चलो घर। चल बैठा उसको ठीक से पटरे पर। चल उठ, 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 चल, बैठ। चलो पंडित जी कराओ शादी। कन्या के मामा दूल्हे को मौर पहनावी। ओम कपिलो गज कर कहलम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विघ्ननाशो विनायक। बाहु जी मान गए, हम शादी करेंगे। मान गया मेरे बापू, मेरे बच्चों, मेरे कुछ बच्चों। अरे अजब सिंह शादी के लिए मान गया, तालियां बजाओ। ताली मारो सब लोग, सब लोग। अरे बच्चियों उठो, चलो लेके जाओ इनको, और नहला धुला के दूल्हा बना के लेके आओ, और अच्छा लोहा करके दूल्हा का कपड़ा पहनाओ। अबे बाजा बजाओ बे। मैग्नेट सब खींच चले आए, मेरी फिकर है मैग्नेट सब खींच चले आए, मेरे आशिक है लाखों मुझ पे मर मिट जाए, मेरी फिकर है मैग्नेट सब खींच चले आए, मेरे आशिक है लाखों मुझ
का बटन मेरे ब्लाउज का बटन देख खुला रह गया मेरे ब्लाउज का बटन देख खुला रह गया मेरे ब्लाउज का बटन देख खुला रह गया तेरे प्रेमियों के दिल पे चुरा चल गया जाम हो गया मैं जो निकली सड़क पे कितने दिलों के हुए रे एक्सीडेंट के कारण जा रहा हूँ इस घटना की शिकायत हम प्रधानमंत्री तक करेंगे आप चिंता न करिए आप अपना ख्याल रखिएगा ध्यान से जाना बउआ हुजूर का लेने आए हैं जान लेंगे हमरा चलाइए गोली और कर दीजिए कहानी का था हम क्या कर सकते हुजूर आप बड़े लोग और हम गरीब किसान अपने बेटे को बुलाना होगा तुझे किसन देव और अब तो तेरे बेटे से ही शादी करेंगे अपने गुलाबों की हमारी इज्जत का सवाल पैदा हो गया है आपका इज्जत का खातिर ना बउआ का जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना अबे बर्बाद तो हम तुम्हें करेंगे समझे मरे हुए को क्या मारे हम लेकिन टुकड़े टुकड़े को मोहताज बना देंगे तुझे भगवान सब देख रहा है मालिक सब देख रहा है भगवान देख रहा है अबे चलो बे आग लगा दो इसके घर पे अबे आग लगाओ बे भगवान को बुला चल बुला आग लगा दो सर कोई बुझा किसने दिया यस जला डालो साले के यहाँ आग लग गई लगा दो साले के यहाँ पे आग घर जला दो साले सरकार से
बड़ा बाबू भी आ गए। हड़प लौंडा ना छोड़ा का रे, आग लग गई या लगाई गई? किसने लगाई रे आग? हमने लगाई। हम ही चलाए हैं अपना घर, ये लोग तमाशा देखने आए हैं। देखिए आप भी। बेटा को काय भगा दिए किशन देव, गलत बात। अरे इतने बड़े आदमी का दामाद बनता तुम्हारा बेटा? हाँ बुड़बक कहीं का। है हम बुड़बक? किसान होता ही बुड़बक है। अनाज होता है पर खाने को तरसता है, खेत में हरियाली लाता है पर अपना घर जला के खुद खाक कर देता है। बुड़बक बुड़बक है, बुड़बक है। ये क्या हो गया किशन देव भाई, ये क्या हो गया? बर्बाद। अरे किशन देव भाई कलेजा फट गया। हेलो। हाँ अच्छा ठीक है बापा जी, वो मुझे अभी गोरखपुर जाना पड़ेगा। क्यों? गन्ना किसानों ने बहुत हंगामा कर दिया है, जरूर अजब सिंह भी वही होगा। अजब सिंह को पकड़ो देव, क्योंकि अभी इज्जत पे बनाई है। जानते हो ना? खूब अच्छी तरह से। बच्चा सिंह का बच्चा गुंडा नंबर वन अपहरण करता। अच्छा तो आप हैं डीसीओ अजब सिंह? जी हाँ चितलांगिया साहब, और ये हैं किसान प्रतिनिधि शेखर और हरीश।
एंड मी श्वेता। हे मैडम, ये अपनी पत्रकारिता यहाँ मत जाड़िए। कैमरा बंद, कैमरा बंद। काम की बात करते हैं चितलांगिया साहब। ए, ऑर्डर नहीं, यहाँ तुम्हारे बाप लोग बैठे हैं, समझे? बाप होंगे तेरे, मेरे नहीं, समझे? तेरी किसानों की लाशों पर राजनीति करने आए हैं आप लोग, अच्छी बात है, वेरी गुड, करना चाहिए। अरे मुझे एक बात बताइए, अगर कोई मर गया, किसी ने आत्महत्या कर ली, तो उसमें भाई हम लोग क्या करें? ये उनका प्रॉब्लम है। देखिए डीसीओ साहब, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारी तरफ जो आंख उठेगी निकाल दी जाएगी, बस। खैर छोड़िए, कम टू द पॉइंट, आप लोग चाहते क्या है बताइए, बोलिए। पिछले एक साल से आपके चीनी मिल में 25-30% गन्ना कम तौल किया जा रहा है, यानी अंडरवेट। किसानों का पैसा बीज और ब्याज के नाम पे हड़पा जा रहा है, जिसके कारण कल 2 गन्ना किसानों ने आत्महत्या कर ली। साला, कल का लौंडा हमें सिखा रहा है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि उन किसानों की आत्महत्या के जिम्मेदार हम लोग नहीं, आपकी कम तौल मशीन, आपका सिस्टम, भ्रष्टाचार। ए, नेतागिरी करता है तुम लोग, सरकार के नौकर हो तुम, तुम्हारी औकात क्या है बे? और हम यहाँ बैठे हैं, खुद सरकार। हाँ ठीक है, हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि मिल को बंद कर देते हैं, ठीक है? खुश। लेकिन जो हजारों मजदूर किसान भूखे मरेंगे, बेघर हो जाएंगे, उसका क्या? आज 2 मरे हैं, कल 2000 मरेंगे, कौन जिम्मेवार होगा सबका? और तुम्हारा क्या है बे? ट्रांसफर लेकर कहीं और चले जाओगे? हमें चिंता है यहाँ की। ओह, आपको चिंता? अरे आपको किसानों की नहीं, बल्कि आपको कुर्सी बचाने की चिंता। हम किसानों का लगभग 2,00,000 गन्ना कम तोला जा रहा है, मतलब अंडरवेट। हम सभी किसानों को भुगतान और मुआवजा चाहिए। मुआवजा? सुंदर, मुआवजा कहां से कॉलेज की हो बे? बेंगलोर। तो बेंगलोर, वहां तो बहुत कंप्यूटर वगैरह काफी। हाँ, इसीलिए आए हैं नेतागिरी करने यहाँ पर। नहीं नहीं भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मुआवजा, मतलब इनका परिश्रम तो इन्हें मिलना ही चाहिए। हैं? मिलेगा मिलेगा, घबराओ मत। अपना अपना हिस्सा उठाइए और जाइए, जाकर किसानों को मेरी तरफ से कमिटमेंट कर दीजिए कि आज के बाद अंडरवेट नहीं होगा और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन ये जो ड्रामेबाजी हो रही है ना, भगवान के लिए बस इसे बंद करवाइए, दफा हो जाओ। वाह, बड़े महान हैं आप, चुटकी बजाते हैं समस्या का समाधान। अरे उठा लो उठा लो, ये गधा जन्म छूट जाएगा, चलो उठा उठाओ। अरे डीसीओ साहब, इतना घबरा काहे रहे हैं आप, हैं? नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अब की बार जो बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें अंडरवेट का जो मुआवजा है उस पर हम विचार करेंगे, ठीक है? आप सभी लोग कान खोल करके सुन लीजिए, अंडरवेट का पैसा तो मैं ले ही लूंगा, लेकिन सबसे पहले आवश्यक वस्तु खरीद अधिनियम के अंतर्गत 3/7 के अंतर्गत FIR दर्ज करूंगा तेरे खिलाफ, और जब जेल में जाएगा तो पता चलेगा तुम्हें, समझे? कमाल कमाल करते डीसी साहब, आप क्यों हुआ?
क्या कलेक्टर साहब मान जाएंगे एफआईआर के लिए? औकात है उनका? सर, गन्ना किसानों की आत्महत्या का एकमात्र कारण अन्याय, शोषण और धोखाधड़ी है। चीनी मिल के द्वारा किसानों का 5 करोड़ रुपया हड़प लिया गया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? वहाँ पर तो सर्टिफाइड वेट मशीन लगी हुई है। सर, महेश चितलांगिया के साथ यहाँ का MP भी इस खेल में शामिल है। अच्छा, देखता हूँ मैं। तुम FIR लिख के दो, मैं देखता हूँ, पास कर दूंगा। लेकिन ये नेतागिरी, ये नारेबाजी, ये जुलूस, ये जाम, ये सब बंद करवा दो। I just don't like it। किसान भाइयों, कलेक्टर साहब ने आपके दर्द को समझा है और उन्होंने जनता चीनी मिल मालिक के ऊपर FIR दर्ज करने का आश्वासन भी दिया। आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि ये सब आंदोलन आप सभी बंद कर दें और कल मैं जनता चीनी मिल मालिक के ऊपर FIR दर्ज करूंगा और सबसे पहले उसे जेल भिजवाऊंगा। जाने का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीसी अजब सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीसी अजब सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या घर जला दिया? हम उसे जला देंगे। अरे बउआ, तुम शांत रहो ना, भगवान है ना, सब देख रहा है। पर बाबूजी, आप लोग रहेंगे कहाँ? अरे यहीं हैं, शिव जी का मंदिर में डेरा डाले हैं, घाट दोबारा बनाएंगे, तुम चिंता मत करो। बाबूजी, हम आज रात की बस पकड़ के डुमरी आ रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। माँ कैसी है? जरा बात तो करिए। बबुआ। हाँ माँ। कैसा है तू? ठीक हूँ माँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। दवा लिया? हाँ माँ। एक तरफ इधर देश जल रहा है, दूसरी तरफ उधर घर जला दिया। सब ठीक हो जाएगा बेटा, पहला धर्म समाज की सेवा है, तू अपना ड्यूटी पूरा कर, अपना ख्याल रखना। मैं आ रहा हूँ। देखते हैं। क्या देखते हैं? चलो जा, हमको देखते हैं, देखते हैं। साला नेता का जैसा दिलासा मत तो हमको, समझे? का करते का थे तुम, बताओ? साला मटका चलाते थे, टिकटें ब्लैक करते थे, साला सब घटिया काम करते थे। कहां सड़क से उठा करके साले को संसद पहुंचाए हैं हम, और ये आज हमको बोल रहे हैं कि देखते हैं। साले काय उद्योग कोड़ी का DCO, का नाम है उसका? अजब, अजब, अजब सिंह। साले अब सोचो, इनकी सरकार है, इनकी सरकार है, और इनके नाक के नीचे उस असुरा 2 कोड़ी का DCO हमरे खिलाफ किसानों को भड़का रहा है, और ये कह रहे हैं देखते हैं। क्या बात है? काजू खाओ, खाओ खाओ, शक्ल दिखाओ, क्या लग रहे हैं देखो है? क्या भाई, तुम भी तो 5% के भागीदार हो, तो 5% टेंशन तुमको भी तो होना चाहिए। देखो भैया, हम तो कल ही सल्टा देते, आप ही ने रोक लिया ना। चलो ठीक है, लो। अरे लो ना, लो। हेलो भाई, देखते हैं।
अरे रोक हट। तेरी तो क्या हुआ सर? तुमको अभी चीनी मिल चलना पड़ेगा। क्यों? ऑर्डर है। किसका ऑर्डर? डीके सिंह का। अब थाने के दरोगा या फिर डीके सिंह के सिपाही? बोला ना, ऑर्डर है, चलना तो पड़ेगा ही। प्यार से चले चलो, वरना टांग के ले जाएंगे, समझे? ए, उठा के अंदर कर। आप हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम कंप्लेन करेंगे आपकी। कंप्लेन करेगा रे? अरे तो गुंडा कर दिया। आप ऐसे नहीं कर सकते, मार सकते। भैया को फोन दे चल। हाँ भैया पहुंच रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं साथ में ही अपने। हाँ जल्दी पहुंच जाएंगे। अरे आराम से भाई, आराम से। चल चल चल, छोड़ो भाई। हमने कहा था इज्जत के साथ लेकर आना, तुम लोग तो गट्टा पकड़ कर ले आए हो। छोड़ो गट्टा, छोड़ो छोड़ो, बैठो। अरे बैठो साले। देखिए हम आपके सम्मान में आए। आए नहीं हो, जबरन लाए गए हो। एक ही बात, एक ही बात है। दारू पियोगे? लिटिल लिटिल। हमने देखा है कि तुम्हें नेतागिरी का शौक है, बोलो बोलो, है का? एक बात बताएं, हमने तुम्हारी बहन राधा रानी को देखा था एक दिन। अब हाथ से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़े जीएम साहब। अरे ठीक है, तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगा तो हम नहीं देखेंगे। हाँ। नहीं देखेंगे भाई, ठीक है। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। करोगे? है? आओ आओ, आओ समझाते हो। वो कहेगी तुम्हारी बहन राधा रानी से, ओ का नाम है उसका, वो चोर डीसीओ, हाँ अजब सिंह के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवाना है। अरे थानेदार भी यही है, कल करे सो आज, आज करे सो अब। लिखवा देते हैं अभी। लिखते हैं? अच्छा समझ रहे हो, समझ रहे हो अब इनकी बात है। बदनामी से डर रहे हो? चलो उसका भी सलूशन है हमारे पास, बैठो समझाते हैं हम। देखो हमारे बारे में जानते हो ना, जानते हो ना, हम अभी तक हुआ रहे हैं, जानते हो ना तुम? अरे जानते हैं भाई। एक काम करते हैं, हम तुम्हारी बहन राधा रानी से शादी कर लेते हैं। अरे महारानी बना के रखेंगे भाई। पतौला बाजी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा जीएम साहब? अगर तुम्हारी बहन से हमारी शादी होगी तो तुम हमारे साले होगे कि नहीं? जीजा जी हैं हम तुम्हारे। सही। अबे डीके सिंह का साला हो ना, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। अरे दरगाह बाबू एक काम करो, अरे साले बाबू को ले जाओ, हाँ ले जाओ। और सुनो भैया जी, थप्पड़ से मारना है। ठीक है भैया जी। लाठी से नहीं, सिर्फ थप्पड़ से। ठीक है भैया जी। जाओ ले जाओ। चलो साले साहब जी। अरे ला रे फोन ला जी। लीजिए भैया। हाँ चमका दिए, रेप केस भी लॉन्च करवा दिए अजब सिंह के ऊपर। हाँ चल गाड़ी निकल जा जी। भैया डोमरी के पास कितने बजे हैं? 3 बजे। 3 बजे? हेलो अजब सर, थाने ले जाकर बहुत पीटा पुलिस वालों ने। क्या? डीके सिंह के इशारे पर। आ रहा हूं। डीके सिंह ने आपको रेप केस में फंसाने का पूरा प्लान बना लिया है सर। मुझे मार पीट के जबरन साइन करवा लिया थाने में आपके खिलाफ। कानून पर भरोसा रखो और एसपी साहब को पूरी घटना बताओ, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। मैं जरूर बताऊंगा सब कुछ सर, बट सर क्या वो लोग हमारी बात मानेंगे? आई डोंट थिंक सो। जो जो घटना घटी है उन सब की जानकारी देना तुम।
दे ऑल आर करप्ट सर, आई डोंट थिंक सो कि वो लोग हमारी बात मानेंगे। अरे आज बच गया बेटा, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ेंगे। अरे ये तो डीके सिंह है सर, ये और यहां लो। आप गोरखपुर काहे नहीं चले जाते? अरे यही तो कह रहा है अजबुआ, लेकिन कहां सुनते हैं ये किसी? वैसे भी बच्चा बाबू ने आपका जीना हराम कर रखा है। गजब बतियाते हैं आप लोग, हम अपना गांव जमीन छोड़ के चले जाएं? माना हमारा घर जलाया है, जमीन तो जलाया नहीं, ना कोई जला सकता है। ये जमीन गांव छोड़ के गोरखपुर ना जाने वाले बबुआ के पास यहीं जिए हैं, यहीं मरेंगे। अरे नहीं, इस एफआईआर पर मैं परमिशन नहीं दे सकता। लेकिन कल आप ही ने तो कहा था कि देखिए, वी आर बाउंडेड बाय सम रिस्पांसिबिलिटीज, सम कमिटमेंट्स। आई विल नॉट डू दिस, गेट आउट। ये 10,000 किसानों के विश्वास का मामला है सर, यदि आपने एफआईआर का परमिशन नहीं दिया तो लोग हम पर शक करेंगे कि हमने चीनी मिलते घोष। अरे ये तुम्हारी समस्या है, परंतु आपके आश्वासन पर किसानों ने अपना आंदोलन बंद किया सिर्फ इसलिए कि आप चीनी मिल मालिक के ऊपर एफआईआर की अनुमति देंगे। अरे इस पागल को बाहर निकालो, सस्पेंड कर लूंगा, नहीं तो जेल में डाल दूंगा। गेट आउट। चलिए सर। ए सर, आप अनुमति दे रहे हैं या नहीं? सर सर, मेरा आप वादा के खिलाफ ही कर रहे हैं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे कोई है एफआईआर का परमिशन दीजिए चितलांगिया के खिलाफ। ये मैं नहीं कर सकता, जनता अब जिंदा हो गई है तो? आपकी दाल गलने वाली नहीं, मेरी दाल। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। सांसद महोदय, आपके चेहरे पे ये बात शोभा नहीं देती। जितना कहा है उतना करो। ओके, साइन कीजिए। जय 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 एमपी साहब का ऑर्डर है भाई। चलो ले लो परमिशन, तमाशा बना के रख दिया। धन्यवाद। देख क्या रहे हो, देख लो मेरे भाई। हाँ ठरिया मार रहे हैं, आइए सर आराम से। हमारे पास वारंट है, एफआईआर दर्ज हुआ है। किसका वारंट? महेश चितलांगिया साहेब, जीएम देव कुमार के खिलाफ थाना में मामला दर्ज हुआ है, बुलाओ उनको। लाइन वन क्लियर, लाइन वन, लाइन वन कमिंग, लाइन वन कमिंग। बड़े साहब को इन्फॉर्म करो, थाना इंचार्ज आए हैं, बोल रहे हैं वारंट लेकर आए हैं। इन्फॉर्म करता हूँ उनको, होल्ड करो बाहर। कॉपी। अरे कितना ड्रामा है यार, आप लोग बाहर वेट करिए, साहब आ रहे हैं बाहर। जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। का है रे? हैं? का हूँ हल्लन मचा रखा है? सर आज तक के इतिहास में खाकी वर्दी का हिम्मत नहीं हुआ कि हमरे मिल के दरवाजे तक पहुंच जाए, और तुम वहीं रुको साला, भी बताते हैं तुमको। सर बहुत चर्बी चढ़ गया ना तुम लोगों को, रोज रोज का तमाशा बना के रखा है। जब देखो सर लार टपकाए चले आते हो, सर नमक हराम कहीं के, हमारी मिल की चीनी के बगैर तुम्हारी रसोई की चाय तक नहीं बनती है, और तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया कि हमारे गिरबान में हाथ डाल रहे हो तुम लोग। क्या बे, तुमसे तो वफादार कुत्ता होता है, समझे? हैं? हड्डी डालो ना, कम से कम दुम तो हिलाता है। अरे का करे सर, कुत्ते हो गए, मजबूरी है। हाँ मजबूरी है। बात बहुत आगे बढ़ गई, दिल्ली तक मामला चला गया है। और आप ही के एमपी साहब ने मामला दर्ज करवाया ना, नहीं तो सरकार के ऊपर कोई नजर डाले किसी का हिम्मत है? फिर साला जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया।
अरे कभी चित ता कभी पट, चित हो जाइए ना देव साहब। और पट तो हमें साफ़ है लोकर हमारे। तो क्या जेल जाएंगे हम? क्या प्रॉब्लम है जेल जाने में? क्या क्या भैया? अरे देखो, अगर शहीद भगत सिंह जेल जा सकते हैं, पर भैया महात्मा गांधी जेल जा सकते हैं। अरे भैया, अरे सुभाष चंद्र बोस गए थे कि नहीं गए थे? अरे गए थे, पर हम दोनों भी जा सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम? अरे भैया आप समझ ही नहीं रहे। अरे भरोसा रखिए सरकार, हम हैं आपके दमदार, और जो कुछ भी चाहेंगे ना ला के तुरंत दे देंगे सरकार। आप चलिए चलिए सर, चलिए आइए। चलो थैंक यू श्वेता, हमारा मैसेज दिल्ली तक पहुंचाने के लिए। क्या हुआ सर? जनता सुगर मिल का मालिक जेल नहीं बुला गया। माटी का पुतला देखो दुनिया ये। अरे वीआईपी अस्पताल में रंगरेलिया मना रहा और पुलिस उसके तलवे काट रहे। सर सर जाने कहाँ है ये सर। नहीं करनी ऐसी नौकरी, हार गया मैं ऐसी व्यवस्था।
किसानों की आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। भ्रष्टाचार के विरोध में आहूत गोरखपुर बंद कल पूरी तरह से सफल रहा। खबर है कि गोरखपुर के गन्ना विकास पदाधिकारी अजब सिंह ने भ्रष्टाचार से पीड़ित होकर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। वहीं दूसरी ओर जनता शुगर मिल के मालिक महेश चितलांगिया ने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। अरे का सुन रहे हैं, तुम नौकरी छोड़ दिए हो? हाँ बाबूजी, छोड़ दिए नौकरी। अरे पगला गए हो का? हैं? नहीं करनी ऐसी नौकरी जिसमें ईमान और जमीर बेचना पड़े। चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। अरे तुम अकेले नहीं हो बेटा, पूरा हिंदुस्तान भ्रष्टाचार के चपेट में है। अरे इतना मुश्किल से मिलता है सरकारी नौकरी और तुम छोड़ के बैठे हो। अब आगे सोचा है क्या करने वाले हो? हम दिल्ली आ गए हैं बाबूजी, यूपीएससी की जमकर तैयारी करेंगे और ईमानदार अधिकारी बनकर देश की सेवा करेंगे। हाँ बनो ईमानदार अफसर, यहाँ तो पता नहीं है क्या हो रहा है हम लोग पर। अरे बच्चा सिंह हम लोगों का जीना दुभर किया हुआ है, पूरा फसल कटवा दिया, हम लोग को जमीन से भी बेदखल कर दिया और डुमरी थाना का दरोगा यहाँ आता रहता है धमकाने को। यही सब देख सुन के तुमरा माई भी खटिया पकड़ दिए और तुमको लगा है दिल्ली बंबई घूमने का। जाओ घूमो, जो कर रहा है करो तुम। बाबा जी आंख बंद करके लोगों की ना सुन के आसमान पे उड़ा है एक परिंदा, एक परिंदा। आंख बंद करके लोगों की ना सुन के आसमान पे उड़ा है एक परिंदा। You have to join regular classes for 3 months to prepare the PT examination of UPSC. Fees कितने हैं? 1,50,000 in 3 equal installments. इसमें कोई रियायत? रियायत means you cannot speak English. Yes, I can. परंतु मैं सारे काम को हिंदी में करना पसंद करता हूँ। Sorry, we cannot prepare in Hindi. You can search some other institutes. Don't waste my time. Thank you. मैडम, मैं आपके यहाँ IAS की तैयारी हिंदी में करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ हिंदी में प्रिपरेशन नहीं होती है, इंग्लिश में होती है। लेकिन मैम क्यों? अरे क्यों क्या, मैंने कहा नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। जाइए जाके कहीं और जा कीजिए। आसमान पे उड़ा है एक परिंदा। अच्छा भैया, IAS की तैयारी हिंदी में कहाँ पे होती है? वो उधर वाली बिल्डिंग। वो वाली बिल्डिंग? हाँ। आ रही ले पटना ही ले कलकत्ता ही ले ला। लगता है यहाँ हिंदी में पढ़ाई होती है। अरे ना ही भैया, हिंदी में तो सिर्फ हम ही बतियाते हैं, अंदर में तो सब अंग्रेजी में। कितर पितर कितर पितर। वैसे एक बात बोले हम, आप अंदर जाके सलाह कर लीजिए, बतिया लीजिए, लेकिन पीते उन्हें भी तो हो जाता है। चानस नहीं है, देखिए जाइए। अरे आ रही ले पटना ही ले का भैया। नो 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 हिंदी क्लास ओवर हियर, यू गो टू हेल ब्लडी फूल। सर मैं हिंदी में तैयारी करना चाहता हूँ। नॉट पॉसिबल यार। खुदा तू ये सुन ले, कहते हालात जो, कैसे तुझको कर दूं बयां मैं। रोती मुस्काने खामोशी में जीती जिंदगी की मेरी ये राह।
खुदा तू ये सुन ले, कहते हालात जो कैसे तुझको कर दूं बयां मैं, रोती मुस्काने खामोशी में जीती जिंदगी की मेरी राहें, खुदा तू सुन ले, 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 भी मेरी रूठ गई है मुश्किलों में मैं आज ही रहा, अश्क भी मेरे अब रो रहे हैं खुशियों से मुझको मिला, किस्मतें भी मेरी रूठ गई है मुश्किलों भी मेरे अब रो रहे हैं खुशियों से मुझको मिला, खुदा तू ये सुन ले, कहते हालात जो कैसे तुझको कर दू बयां मैं, रोती मुस्काने बाबूजी प्रणाम। बाबूजी रो क्यों रहे हैं? बाबूजी बताइए ना, रो क्यों रहे हैं? तुम माँ ये दुनिया में नहीं रही बाबा, दुनिया छोड़ के चली। काल छोड़ के चली गई, क्या करेंगे हम बता?
का करें जीजा? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? हजूर, हजूर, हमारा मेहरारू का देहांत हुआ है, चैन से मरने तो दीजिए उसको। हजूर जाने दे, माँ मरी है इसकी। आज हम दोनों का क्रियाकर्म पूरा होने के बाद देखेंगे। अरे बाद में क्या देख लेंगे आप? पता चली घर जला दिया, आपके घर में मेरी माँ मरी, आप बाद में नहीं रात का पैर। अरे बुआ, कैसे के गुंडे? जाने दे, छुटका लगाए के जाने को, गौ माता के नाम पर छोड़ते हैं। चलो 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 जाने दो, खानदान खत्म कर देंगे सालो। हे गुलाबो, कहाँ है अजब्बा? लाए नहीं है उसको? छोड़ा है, बोलते हैं माँ मरी उसकी, खाली धमकी देके एक छोड़ा है। का बप्पा जी, अजब्बा मिला और बिना उठाए चले आए यहाँ इधर की तरह? उसकी माँ मर गई है बेटा। तो हमको वही चाहिए, हमको वही चाहिए। इतना दिन से हमने जो चाहा आपने वही दिया, अब काहे नहीं? हाँ, हाँ। लाएंगे बेटा, लाएंगे। नहीं, हमको अभी वो चाहिए। लाएंगे। भी चाहिए, बोला ना भी चाहिए। अरे आप जाइए, हमें इलाज नहीं कराना चाहिए। बाबूजी, ऐसे में तो मर जाएगी। अरे जब हम कह रहे हैं आपसे हमें इलाज नहीं कराना चाहिए यहाँ से, समझ में नहीं आता? अब फिर खड़े हैं, जाइए ना यहाँ से, नहीं करवाना इलाज हमको, नहीं करवाना इलाज हमको, बेवकूफ कहीं के। माँ जिंदा होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ बउआ। बाबूजी प्रणाम। चिरंजीव रहो। बाबूजी यूपीएससी निकाल लिए हैं। मतलब कलेक्टर का नौकरी हो गया पक्का? आईआरएस में सिलेक्शन हुआ है बाबूजी, हम आ रहे हैं टुमड़ी। अच्छा बाबूजी प्रणाम। चलो शुभ आशीष। बुकैया बत्ती जला के चलने वाले कौन है? जो बच्चे लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, वही बच्चे बड़े होके ऐसे बड़े अफसर बनते हैं और भुकभुकिया बत्ती वाली गाड़ी में चलते हैं, समझे? हम भी बनेंगे एक दिन बड़ा अफसर। हाँ, चिरंजीव रहो। बाबूजी, आओ बेटा, यही है नया घर, तुम्हारा सपना तो पूरा हो गया और हमारा सपना क-
कहे तो इस्तीफा दे करके MBBS की तैयारी में जुट जाए। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। भजन करना रे भजन करना, भजन करना रे भजन करना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। इनकम टैक्स कमिश्नर बन गया है किशन देव का बिटवा। क्या बोला तुम? कलेक्टर की तरह पीली बत्ती वाली गाड़ी में आया गांव आज। कर दीजिए गेम फाइनल। हम भी चलेंगे बप्पा जी, देखेंगे और गरियाएंगे उसको, हेकड़े निकाल देंगे उसकी, मुंह तोड़ के रख देंगे उसका बेरे का, पीली पत्ती ना नोच के निकाल देंगे। चलिए बप्पा जी। चल पांच तत्व का बनाए पिंजरा, 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 उसमें बोले रे एक मैना। यार ये जो नया कमिश्नर है ना, बड़ा ही सख्त है। इनकम टैक्स में जो नया साहेब आता है, पहले आइस क्यूब यानी बर्फ के ढेले की तरह टाइट लगता है, फिर धीरे धीरे पिघल कर पानी बन जाता है। यार ये जो नई मैडम आई है ना, दिए यार। अरे टाइट तो शेड्यूल है, सभी ITO इंस्पेक्टर क्लर्क प्यून ड्राइवर के साथ कमिश्नर साहब ने 11 बजे मीटिंग रखी है। पगला गया कमिश्नर? क्या बात है यार, समझ में नहीं आ रहा यार। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि यह कैसी मीटिंग है जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर एक साथ काम नहीं कर रहा है। आपको देख करके ऐसा लगता है कि आप ईमानदार सोच रखते हैं। एक्चुअली सर मैं बड़ी ईमानदारी से काम करता हूँ और फ्यूचर में भी ऐसे ही करूँगा। हमको तो लगता है कि धन संग्रह अधिकारी ना होकर के धन खाओ अधिकारी। करप्शन से काफी दूर रहता हूँ। काम को पूरे होश में करना है और जहाँ गलत करते हुए पकड़े गए तो ये अजब सिंह तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। देखने से तुम्हारा आँख चढ़ा हुआ लगता है, क्या कोई नशा करते हो क्या? नहीं नहीं सर। थोड़ा जोर से बोलिए, मैं सुनता कम हूँ। इससे पहले जो थे सब्जी मंगवाते थे हमको घर पे भेज करके। हमसे झूठ बोलता है। मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, शायद इसीलिए मैंने विभाग ज्वाइन किया।
ठीक है जाओ। आई विल वेट फॉर यू डिनर पर। देखिए हम 6 लोग हैं और हमें मिलकर पत्थर बनना है, क्या आप सभी तैयार हैं? Yes, sir. हमें पूरी ईमानदारी के साथ कालाधन जमा करने वालों को पकड़ना है। अपने इलाके में 2 नंबर के अमीर और कालाधन जमा करने वाले लोगों के नाम बताएं। सर इफ यू डोंट माइंड, सबसे बड़े ब्लैक मनी मास्टर तो रिटायर्ड IAS ऑफिसर PK सक्सेना, शहर का सबसे बड़ा रईस, पूरी दुनिया में दर्जनों 5-स्टार होटल्स एंड रिजॉर्ट्स का मालिक। दूसरा देवव्रत रॉय, झारखंड में चीट फंड और कोयले के काले धंधों में नाम शुमार है इनका, लड़कियों के शौकीन और दुनिया के बड़े हवाला किंग। सर कुछ स्टील पास तो ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं बैंकों की मिली भगत से। महेश चितलांगिया नाम है उसका, यूपी में कई शुगर मिल का मालिक और झारखंड में स्टील प्लांट। और इस लिस्ट में हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री जगन्नाथ पटेल। इतना ही नहीं सर, झारखंड में कई ज्वेलरी शोरूम के मालिक जैसे जौहरी मोहनलाल सेठ भी इसमें शामिल है। हम आज रात में अपना मिशन प्रारंभ करने जा रहे हैं, तैयार हो जाइए। यस सर। लगते ऐसे हैं जैसे निगल ही जाएंगे। सच में आंखों से ही ना मिजाज ठंडा कर लेते हैं। अब क्या करेंगे यार, 2-2-4 साल अपनी अपनी बीवियों को गांव में छोड़ के रखते हैं, खुश शहर में रहते हैं। तो कुछ ना कुछ तो करना है ना। सच में इसी मजबूरी में ना कहीं भी लग जाते हैं ये लोग। इधर ले। और एड्स का गिफ्ट देकर आते हैं अपनी अपनी वाइफों को, साला सारी पीढ़ी बर्बाद। साली तुम ना इतना नॉनवेज मत खाया करो या फिर कम खाया करो। क्यों, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तेरी सैलरी से खाती हूं। यार इंसान ना गर्म हो जाता है, सेक्स की ना भूख बढ़ जाती है बॉडी में। भगवान भूख देता है ना तो खाने को भी देता है। समझ गई। सच बता कोई है क्या? नो यार, टाइम कहाँ है, अपना हाथ जगन्नाथ। I believe on self-service. बस यहीं रुक जा। सच में यार घर वाले वाह वाह करते हैं। लो बेटी हमारी ऑफिसर बन गई। चुप कर, देश सेवा कर रही हो साली, देश सेवा वही करो। अपनी लाइफ ही क्या है ना यार, रात के 2 बजे किसी के फटे में टांग लगाने जा रहे हैं। छी,
अरे वाह, सुंदर ने भेजा है क्या? आ वाह, क्या क्या बात है, क्या बात है? हैंड्स अप, हटो, चलो चेक करो। अरे इधर देखो, उधर देखो, उधर देखो। हाँ, ठीक ठीक ठीक। मिल गया काले धन का काला चिट्ठा। कारो टंकी है क्या? है, है? क्या है? अरे क्या चाहते क्या आप लोग? टैक्स और क्या? सारे माल का हिसाब है हमारे पास, टोटल 200 करोड़ का फर्जी लोन। दुबई में मनी ट्रांसफर का बिजनेस। आपके पूरे काले कमाई का चिट्ठा है हमारे पास। देखिए, साल में 2 करोड़ का टैक्स पे करते हैं हम। 98 करोड़ रुपया कम, मतलब 3 करोड़ का तेरा काला कारोबार है, उस पर 100 करोड़ का टैक्स तो बनता है ना, समझे? फोन नीचे नीचे नीचे। करने दो, करो। का मंत्री जी, ये का तमाशा लगा रखा है? अरे आपके डिपार्टमेंट का एक अफसर रात को 2 बजे चोरों की तरह इनकम टैक्स का रेड मारने आया है हमारे कमरे में। क्या साला, इस के लिए तुम्हारे इलेक्शन में चंदा देते हम लोग? अरे अब अंठानवे करोड़ टैक्स, समझे? हाँ हेलो, हम इनकम टैक्स ऑफिस के चपरासी राजू बोल रहे हैं। कौन है बे? आपके घर पे इनकम टैक्स वाले का रेड पड़ने वाला है। सुबह 4 बजे तक 30-40 लोग पहुंच जाएंगे। अरे कुत्ते, मेरे यहाँ रेट पड़ेगा हैं? जानता नहीं तू बे मैं कौन हूँ? उप मुख्यमंत्री हूँ मैं, जगन्नाथ पटेल नाम है मेरा। सर सेंट्रल से टीम आई है, सत्ताधारी पार्टी वालों का गेम है, आपके खिलाफ पूरा का पूरा गेम कर दिया उन लोगों ने। अरे तरह तरह के वो इलेक्ट्रॉनिक जासूसी मशीन लेके आए वो विजिलेंस वाले, आप जल्दी से सारा माल हटवा दीजिए। हेलो, चित्रांगिया बोल रहा हूँ, रेड पड़ रही है चारों तरफ, मेरी भी लग गई है, जितना माल बचा सकता है बचा दे। चल। जी जी। अरे गांधी बाबा, तुम पे भी भरोसा उठ गया। अरे 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 सोनिया थर पर उठ 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 गोडाउन में जाके 2-4 कार्टून लेके आ, जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा। अरे पिंकी तू भी उठ। भाई इनकम टैक्स है तो क्या? अरे कहाँ लेके जा रहे हो यार? अरे मैडम बोलो तो बैठ के बातें कर ले। क्या हाल है रुंगटा जी? साहब जी सुबह सुबह छापा पड़ने वाला है आईटी विजिलेंस वालों का, अब चुपचाप सारा माल निकाल दीजिए, समझे? करा करा। परवाह करा, मतलबी दुनिया पड़ी
फरेबी हो गया, इंसानियत हो गई, अपनों की परवाह कहाँ। ना 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 पार्ची ना सुनते तो उपदेश, ना 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 पार्ची ना तोड़ता ले नर्तलेज, नीजे ही बाना चिगान आर नीजे ही सुनची। क्वार्टर में मिलते माता के साथ कितनी गद्दारी की है। सर ये मेरा भी माल नहीं है। मेरा माल नहीं है, किसी का नहीं है तो ये भारत माता का। चलिए टैक्स भरिए और अपने काले धन का खुलासा कीजिए। काला धन पर रोक लगाने की दिशा में सार्थक पहल करते हुए झारखंड के औद्योगिक शहर जमशेदपुर के आईटी कमिश्नर अजब सिंह ने चमत्कारिक ढंग से एक ही रात में 400 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली की, और इतना ही नहीं 5000 करोड़ का काला धन भी जब्त किया। ये देश में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। भजन करना रे भजन।
भजन करना रे भजन करना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, भजन करना रे भजन करना, भजन करना रे भजन करना। बेवकूफ कहेंगे, ये लो जी चलेगा वो, आप तो खुश हैं ना? हम्म, सुनो जी, गुलाबों की शादी धूमधाम से कराइएगा, कोई कमी मत रखिएगा। कैसी बात कर रही हो आप, उसकी शादी खूब धूमधाम से करेंगे और आप भी तो उसमें खूब नाचोगी, चुमक 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 चुमक। अभी आप कहीं नहीं जा रही हो। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, भजन करना रे भजन करना, भजन करना रे भजन करना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, भजन करना रे भजन करना, भजन करना रे भजन करना, भजन करना रे भजन करना। तुम्हारा माँ बहुत रो रही थी बेटा, हमारा कसम खाओ कुछ बोलो भी नहीं, जाओ जाओ कुछ मत बोलना, जाओ अंदर जाओ। का रे अब की बार बार का चार चक्का में भुकभुकिया बत्ती और दो चार ठुल्ला लेकर आए हो तो क्या डर जाएगा हम, बच्चा सिंह की बेटी है बेटे। गुलाबो बिटिया शांत हो जाइए, पूरा जिंदगी आपका खेत जोते, हमारा हमारा पत्नी का देहांत हो गया, घर जल गया, एगो बहुआ बचा है हमारा जिंदगी, बहुत संघर्ष किया है उम्मीद जीवन को तो जीने दीजिए हजूर, हजूर समझाइए थोड़ा बिटिया। गुलाबो बिटिया, ए बिटिया, अरे हजूर हाथ हो गया, चार कई का शादी छोड़कर भाग गया था पहरे, पगला समझता है आपको, शादी छोड़कर भाग गया था अंदर पहरे, बस बस अरे नहीं बेटा, ये काम हमारा है, हम इंसाफ करेंगे। अरे आप क्या इंसाफ करेंगे, आप मेरे साथ इंसाफ किए थे आप, किस कुत्ते को छोड़ के आए थे आप, कहते हैं माँ मरी है इसकी, मेरी माँ नहीं मरी थी, मेरी माँ नहीं मरी थी, तब क्या किए थे आप, तब क्या किए थे, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते, हिट रहे आप, ये चिर रहे, मांग रहे, इसका इंसाफ तो हम ही करेंगे। हट साले, हट, शादी छोड़ के भाग गया था। अरे बेटा, 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 हम हाथ जोड़ते हैं। हट बेटा, अरे बेटा, हम हाथ जोड़ रहे हैं। मार डाले तुम्हें, तेरी तो तू ही भगोड़ा इस सब से जड़े, तू जी को मार डालेंगे।
जरा तू जान ले। चंड आग आज ये जरा तू जान ले, हिम्मत से काम ले ना ये बखूबी मान ले। चीखती पुकारती ये जिंदगी, कह रही है हौसलों से काम लो। है प्रचंड आग आज ये जरा तू जान ले।